मतलब मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत लेट से स्टार्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन 12th के बाद, और कारण बस ये था कि जानकारी नहीं थी। पूछना शुरू कर देते हैं उसके बारे में, अपना थॉट्स लगाना जब इंट्रोड्यूस शुरू कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करना कि मेरा इस पर क्या विचार है, हमको इसमें मतलब मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ इसमें। मैं एक ही बात बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि जो मतलब कोई भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं उसमें सबसे मतलब मुख्य चीज़ जो है वो है समय, हम कितना समय किसी चीज़ों पर दे पा रहे हैं। सर, जो मैंने एनालिसिस किया SSB के बाद कि SSB एक्चुअली में है क्या, और वो मैं अपना बेसिस पर अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि SSB इज ऑल अबाउट हाउ कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली यू आर एबल टू कन्विंस एंड इन्फ्लुएंस द ग्रुप। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट एंड परहैप्स द फर्स्ट एनडीए कैंडिडेट फॉर दिस सीजन जो हमारे चैनल पर आए हैं। थैंक यू सो मच यार संतोष फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। योर जर्नी इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल, बिकॉज अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आप मतलब ऐसे बैकग्राउंड से हो, बिहार जैसे जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, और आपको मतलब इतना लेट पता चला है, इवन एनडीए के एग्जाम के बारे में 12th के बाद पता चला। सो एक बड़ी यूनिक सी कहानी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटन और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSB क्लियर किया है भाई ने हमारे, और 450 के ऊपर इसका रिटन स्कोर है, तो मेरिट का भी कोई दिक्कत नहीं है। हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन रिकमेंडेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आर इन्विटेशन। फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। They have given great results this time. Do check them out. The link is in description. संतोष वहाँ पे ऑनलाइन एनडीए के रिटर्न के लिए भी पढ़ा और SSB ऑफलाइन के लिए भी पढ़ा। सो ग्रेट। संतोष थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बताओ, क्या बैकग्राउंड है और कहाँ से तेरे को मोटिवेशन मिली फौज ज्वाइन करने की, और अब तेरे को कैसा लग रहा है कि यू आर सो क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम? थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस ऑनर ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यू। जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं बिहार के एक बड़ा सा जिला जिसके बारे में सबको ही सुना है, वेस्ट चंपारण, वहाँ के चंपारण। एक यस सर वहाँ के एक छोटा सा गांव है बलकावा, वहाँ से मैं ग्रेट बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी पेशे से एक फार्मर है, और ग्रेट मेरी माँ भी उनको असिस्ट करती है उस फार्मिंग में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी एक फार्मर ही है। वंडरफुल। और यस सर, और मेरे 4 सिस्टर्स हैं और मैं अकेला, मतलब भाई में मैं अकेला हूँ। और जो बैकग्राउंड मेरा है वो फार्मिंग ही है, और यंगर साथ ही सिस्टर्स एल्डर साथ सिस्टर्स? सभी मेरे से बड़े हैं, एल्डर हैं। ओके ग्रेट ग्रेट। फिर यस सर, और मतलब उसमें से मेरे 3 सिस्टर्स का मैरिज हो चुका है, और एक ओ सिस्टर जो है वंडरफुल वो भी पढ़ाई कर रही है, ग्रेट। पढ़ाई कर। यस सर, और मैं साथ ही साथ में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक टीचिंग एज अ प्रोफेशन मैंने चूज किया था। मैं टीचिंग भी उस समय ओ शुरू कर वाह, दिया था अपने गांव में। यस सर, अच्छा क्या पढ़ा रहे थे आप? मैथमेटिक्स। अच्छा, यस सर, और किसको? बस 9th 10th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स। मेरे गांव में एक वंडरफुल स्कूल है वहाँ। वंडरफुल वंडरफुल यार, बिहार के लोगों में कुछ तो होता है यार, बड़े मेहनती होते हैं। मेरे को तो फेवरेट है बिहार के लोग। तो ये थोड़ा बताया यार, मतलब ये कहाँ से आते तुम में कि यार कि बस लगे रहो दम लगा के, और अभी तेरी कहानी भी इतनी इंस्पिरेशनल है, लाइक व्हाट इज देयर?
मतलब मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत लेट से स्टार्ट हुआ मेरा प्रिपरेशन 12th के बाद, और कारण बस ये था कि जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस एरिया में एनडीए के बारे में अभी भी लोग नहीं जानते हैं। अभी ये पहला पहला मैं हूँ जो मैं एक सरकारी जॉब के लिए मतलब पा रहा हूँ मैं अपने एरिया में, और साथ ही साथ एनडीए में जा रहा हूँ, तो अवेयरनेस का कमी था यहाँ पे, जिसके कारण हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन एक था कि मैंने शेयर किया था अपने एक टीचर के साथ, स्कूल टीचर के साथ, कि मुझे भी डिफेंस में जाना है और मुझे ऑफिसर पोस्ट में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय में जो मुझे आइडिया मिला वहाँ से, उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद आपको बहुत सारे एंट्री मिलेंगे जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन एनडीए के बारे में उस समय में मुझे नहीं गाइड किया है, कोई बताया नहीं। लेकिन लास्ट में जब लास्ट ईयर अक्टूबर में एक मेरे सर है दिस इज आफ्टर मैथमेटिक्स, पासिंग 12th लास्ट ईयर. यस सर, आफ्टर माय पासिंग गॉड. 12th, हाँ फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि संतोष, एनडीए के बारे में तुम जानते हो, एक ऐसा एंट्री है, एक मतलब बहुत सुनहरा मौका है जिससे तुम डिफेंस में जा सकते हो बहुत आसानी तरीके से, तुमको ओह वाह. एक तो वहां से मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी जगी कि क्या एनडीए क्या है, अगर यहाँ पर मौका मिला है तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया, उन्होंने भी सर्च करके बहुत सारा चीज उसके बारे में बताया कि पहले रिटेन करना पड़ता है, फिर एसएसबी करना होता है, तो इस तरह के गाइडेंस मुझे वो सर ने दिए। फिर मैंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि फिजिकल पर भी तुमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मेरा वेट अराउंड 69 kg और मेरा हाइट है 165 सेंटीमीटर, ओह माय गॉड. तो इस हाइट के बिल्कुल हिसाब से मतलब ये जो वेट है ओवर वेट में चला जाएगा। हाँ, तो मेरा था कि रिटेन के साथ ही मैं अपना फिजिकल पर भी वर्क करूंगा, दौड़ना वगैरह शुरू कर दिया, एक्सरसाइज भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब अभी मेरा जो वेट है वो 53 kg हो चुका है, वाह. और मतलब इट मैंने विल फर्दर लग रिड्यूस एनडीए मतलब जाकर तू देखना. नहीं, ठीक है, 50 से 59 के बीच नहीं में नहीं BMI। ठीक तो है, लेकिन वहां पे इतनी भागदौड़ हाँ होती है हाँ कि तुम और जी फिट हो जाओगे और पतले हो जाओगे और यू विल गेन मोर मसल आल्सो. तो यस सर, नोट करना. हाँ फिर हाँ, तो मतलब हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है गांव में रहकर वेट लूज करना, क्योंकि शहर में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहाँ डाइटिंग वगैरह भी होती है, डाइटिंग करने से अपने तरफ तो कोई डाइटिंग वगैरह है नहीं, आराम से जितना आ रहा है खाओ। ये मतलब वहां पर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कुछ स्टूडेंट्स को जो कुछ मिठाई खा रहे हैं तो सोच रहे हैं मिठाई खाने में कि डाइटिंग मेरा है वो है, यहाँ कुछ डाइटिंग नहीं, आधा किलो मिठाई एक साथ खा लिए, बस डिसाइड कर लिया कल 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ लूंगा तो आधा इस किलो. तरह की ग्रेट यार, तो फिर पांच वंडरफुल. किलोमीटर इंक्रीज कर दूंगा मैं अपना रनिंग कल, फिर मेंटेन हो जाएगा, इस तरह का अपना वो चलता है, तो इस तरह से करके मैंने रिड्यूस किया। ग्रेट यार, ग्रेट. अच्छा फिर तेरे को पता चला इसके बारे में. पहले तो तुमने मैथ्स का स्कोर बता, मैथ्स का क्या स्कोर था तेरा? हाँ, तो अराउंड मैंने 86 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ओ माय गॉड, जिसमें से 29 करेक्ट जा रहे हैं ओ मेरे भाई, कैलकुलेशंस। वेरी नाइस. तभी नो वंडर तू मैथ्स का टीचर बनना चाहता था, हाँ क्योंकि इतना अच्छी थी मैथ्स. ग्रेट हाँ मैथ मैथ मैथमेटिक्स मेरा सही रहा है, मैंने फोकस सही किया था इस ग्रेट पर। ग्रेट. थोड़ा सा रिटर्न स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि क्या एक रिटर्न स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आइडियल. अभी जैसे तकरीबन 6 महीने हैं एग्जाम को, तो एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं उनको थोड़ा गाइड करें यार. हाँ बिल्कुल सर, जो गाइडेंस मुझे मिला रिटर्न एग्जामिनेशन का, तो जैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के थ्रू मिला, बेनिफिट्स ओके. ये मिले कि उन्होंने उन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, एक स्ट्रेटजी बताया कि कैसे आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हम लोग जैसे कि मतलब साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, मैथमेटिक्स से, तो 3 सब्जेक्ट तो सही रहता है अपना, लेकिन बाकी जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स है उसी में थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो उस पर एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि इसमें बेहतर करें। तो इस तरह जो गाइडेंस मिला, और साथ ही साथ में वहाँ पर बहुत सारा सेशन भी होते हैं जैसे डाउट सॉल्विंग सेशन, तो ऑनलाइन मोड में भी मैंने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आराम से मैंने डाउट सेशन भी लेता था, वहाँ पर डाउट मेरे क्लियर भी होते थे, और साथ ही साथ में लास्ट दिनों में वहाँ पर कुछ टेस्ट सीरीज जैसा चला था, जिसमें मतलब शुरू से भी चलता था, वीकली चलता था, लेकिन बाद में कंटिन्यू कर दिया गया था, 2 दिन 3 दिन पर होना शुरू हो गया था, तो उन सब से भी मुझे बहुत ज्यादा गाइडेंस मिला कि कैसे मतलब अपना लेवल मैं पहचान पाऊँ उन बच्चों में कि मेरा लेवल क्या है, उस समय भी ग्रेट, मेरा लेवल बहुत अच्छा आ रहा था, तो जिसके वंडरफुल. कारण यस सर, तो बुक्स कौन सी यूज किया आपने इंडिया के लिए? बुक्स, हाँ बुक्स जो वहां से मॉड्यूल मिला था
अच्छा, मॉड्यूल वहीं का, का स्टडी मॉड्यूल का ही, मटेरियल। यस, ओके स्टडी ग्रेट मटेरियल, यस ग्रेट। सर। मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा इस पे बात करते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ये एक थोड़ा दिक्कत होता है जो बिहार के या हिंदी मीडियम इनिशियली जैसे आप पढ़ रखे हो, तो अब आपको कहीं ना कहीं रिटन क्लियर करने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कैसे होगा SSB, क्योंकि सारे टेस्ट इंग्लिश में हैं और आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, इंटरव्यू है आपका, तो उसके लिए क्या क्या किया आपने खुद से? पहले तो मैं रिटेन पर पूरी तरह से फोकस था, क्योंकि मुझे एसएसपी के बारे में कुछ जानकारी था भी नहीं उस समय में, रिटेन के समय में, तो मेरे लिए एक तरह से बेनिफिट्स नहीं था, पूरी तरह से मैं रिटेन पर ही फोकस रहा। और जब मैं मतलब रिटेन क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आधा सेलिब्रेशन तो गाँव में ऐसे ही हो गया था कि हाँ हो गया इसका, तो मैं भी उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि इसमें तो एसएसबी इंटरव्यू भी बहुत मायने रखता है, तो फिर मैंने मैंने सोचा कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स में मुझे जाना चाहिए। थोड़ा फाइनेंशियल इशू तो था, लेकिन मेरे जिया जी आए साथ में, बहुत सारे लोग हेल्प किए, के कारण मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पर मुझे जानकारी मिला कि मतलब इंग्लिश वगैरह का तो बहुत इसमें चाहिए, कि आप बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इंग्लिश पर मैंने थोड़ा काम किया था शुरू में, लेकिन लास्ट दिनों में मैं नहीं कर पाया था। लेकिन इंग्लिश में मैं चाहता था कि और अच्छा से उसको सही कर लूँ। और बाद में वहां गया तो मुझे पता चला कि ये सब PPDT और TAT ये सब प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पहला दिन ही। और वहां पर पहला दिन का जो मतलब था मेरा, कि गया वहां पर और पहला दिन ही PPDT का वहाँ सेशन रखा गया था, मंडे था उस दिन। वहां खड़ा हुआ, मतलब वहां पर वो स्टोरी राइटिंग कराया गया, मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे ही कुछ स्टोरी लिख दिया खड़ा होकर वहां पर नरेशन कराया गया। मैं मतलब दो तीन लाइन ही बोल पाया था, दो तीन चार लाइन, उसके बाद मैं नहीं बोल पा रहा था, कॉन्फिडेंस का थोड़ा कम भी था उस समय। तो फिर सीसी सर ने मतलब कुछ आइडेंटिफाई किया मेरे अंदर, बोला कि तुम कर ले जाओगे। तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पोलाइटनेस है, एक लाइवलीनेस है, तुम जो बोलते हो मतलब मुझे लगता है तुम कर जाओगे, तुमको मेहनत करना चाहिए। तो मतलब उस समय जो कॉन्फिडेंस मिला, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे तब तो हर चीज पर वर्क करना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने डिसाइड किया कि पहले मैम से एक बार कंसल्ट करते हैं वहाँ के, तो वो बताएं कि यहाँ पर एक इंग्लिश का सेशन चलता है। फिर मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया, और फिर सर ने टॉपिक दिया था, टॉपिक को मैं प्रिपेयर करके वहाँ गया और बोलना शुरू किया। तो मतलब 5-6 मिनट, वो तो 3 मिनट ही देते थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-6 मिनट उनको बहुत अच्छा लगने लगा, और वो मुझे डेली बुलाने लगे। मतलब मैं कभी मतलब मिस कर रहा हूँ क्लास, वो बच्चे को भेज कर मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि मतलब मुझे याद है कि एक लेक्चरर का टॉपिक, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा समय बोलता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है टॉपिक तो प्रिपेयर करके आ जाता हूँ। लेकिन उस समय क्या किए कि बोले कि तुमको टू द पॉइंट, मतलब अभी तुमको हम टॉपिक देंगे और अभी बोलना पड़ेगा। तो मैं गया स्टेज पर और उन्होंने टॉपिक दिया योगा, बोलो इस पर। तो उस पर ही मैं मतलब इतने इफेक्टिव उनको लगा, मतलब जो मैं स्पीच दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारा कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर वगैरह तो हम लोग रिटेन में ही कर लेते हैं, बस अप्लीकेशन का ही रहता है उसमें। तो वही वहां पर उससे जो गाइडेंस मिला, जो गाइड करने लगे, वो क्या करते थे, पेन पेन कॉपी ले लिए, आदित्य दुबे सर है वहाँ पे, वो बहुत बढ़िया से वो सब चीजों को लिख देते हैं कि इस चीज पर तुमको करना है काम। खास करके बिहारी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आते हैं प्रोनाउंसिएशन में, और ये प्रॉब्लम अभी भी है तो एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट का हाँ एक्सेंट, प्रॉब्लम हाँ प्रोनाउंसिएशन में, या हाँ हाँ तो वही चीज ज्यादा उसमें दिख रहा था। तो सर ने मुझे गाइड किया, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट तो आया, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया, अभी आज भी मैं वर्क कर रहा हूँ कोई बात नहीं नहीं, गाइडेंस मिली काफी एनडीए जाके भी होता है, क्योंकि वहां पे भी जब यू आर टॉकिंग टू अ सीनियर्स तो पूरा इंग्लिश में ही होता है, तो धीरे धीरे देखना यू विल सी अ ग्रेट चेंज। मेरा भी एक बड़ा क्लोज दोस्त था, है मतलब सतीश, सतीश उसको सतीश कुमार बोलते थे, तो बिहार के ही हैं, तो उन्होंने सिर्फ ना कि अपनी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव की, उन्होंने वहाँ पे फ्रेंच चूज की थी फॉरेन लैंग्वेज, और उन्होंने फ्रेंच सीखी, फ्रेंच में CUP लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, और अभी वो कैप्टन है इंडियन आर्मी में। सो धीरे धीरे यू विल सी ग्रेट चेंज, आर्मी में बहुत आपके ऊपर काम किया जाता है आपकी ग्रूमिंग पे, तो देखना ग्रेट। थोड़ा इस पे बात करते हैं रिगार्डिंग SSB, SSB में क्या क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बताओ कि जो आपके
मेंटोर्स थे उनका, और जो खुद से किया उसके बाद आपने एक SSB की कोचिंग के वापस आके भी आपने खुद से भी तैयारी की होगी, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं जो कहीं मतलब तैयारी नहीं करते और कोचिंग वगैरह में खुद से करते, तो उनके लिए क्या आपके आपके आपका एडवाइस है? एंड बस हाँ यही बताओ अभी के लिए, तो बहुत कुछ बता बोलने को बता दिया आपको फालतू में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो मैंने एनालिसिस किया SSB के बाद कि SSB एक्चुअली में है क्या, और वो मैं अपना बेसिस पर अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि SSB इज ऑल अबाउट हाउ कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली यू आर एबल टू कन्विंस एंड इन्फ्लुएंस द ग्रुप। मतलब ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये मतलब एक्चुअल डेफिनेशन SSB का मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये मुझे लगता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैंने यूज किया जैसे कि इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना। तो ये इतना आसान चीज नहीं है कि मतलब ऐसे बोल दिया और कोई कन्विंस हो जाएगा मेरे बातों से ग्रुप में बैठे हुए। इसके लिए हम लोग को वर्क करना पड़ता है बहुत सारे पैरामीटर्स पर, कि मतलब हमारा कंटेंट एक इफेक्टिव होना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं उसमें कितना सहजता है और कितना उसके अंदर मतलब गहराई है, ये भी लोग मैट वो भी चीजें मैटर करती है वहां पर जब आप ग्रुप में बैठकर अपने बातों को रखते हैं या लेक्चरेट में कुछ बोलते हैं। तो कितना पोलाइटली आप बोल पा रहे हैं पोलाइटली, और साथ ही साथ एक और चीज जो ज्यादा मैटर करता है वो है कॉन्फिडेंस। मैंने जो बोला कि आप कितने कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली आप किसी बातों को रख पा रहे हैं, तो जो पोलाइटनेस है वो मतलब होना चाहिए अंदर आपके अंदर, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है ना कि एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोए, औरन वाह को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो मतलब हाँ, वाह तो ऐसा आपके वाणी में ऐसा मतलब इतना प्रभावित होना चाहिए वाणी कि जब आप बोल रहे हैं तो लोग प्रभावित हो जाए आपके बात, तभी तो सुनेंगे। वरना वहां तो सब कोई प्रयास कर रहा है कि हम अपना पॉइंट रख दे, अपना पॉइंट रख दे। ठीक है, तो इस पहले वाणी पर अपना काम करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने टोन को, एक्सेंट को रखते हैं। और बिहारी का तो ठीक है, वो एक्सेंट सही रहता है, थोड़ा नॉर्मल वो बात करते हैं, तो इसमें एक्सेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया शुरू से ही, और पोलाइटनेस भी था, और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस जो जो चाहिए बहुत जरूरी है एक SSB एस्पिरेंट के लिए। और मैंने वहां पर जो ऑब्जर्व किया, एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दो चीजें होती हैं। ठीक है, और हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है और क्या एरोगेंस है, तो इसमें हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो कॉन्फिडेंस है और एरोगेंस है वह एक ही परिवार का दो सदस्य है, यानी कि ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर एरोगेंस वाला थोड़ा सा भी चीज झलक गया तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो गाइडेंस वहां पर मिलता है हम लोग सीख पाते हैं कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये हमारा एरोगेंस है। इस तरह के मतलब जो बातें हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए, तो वहाँ शिशिर सर हैं जो गाइड करते हैं हम लोगों को कि नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो इस तरीके से नहीं दिखता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, इससे तो लगता है कि तुम मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हारे अंदर एरोगेंट से हो। एरोगेंस है, हाँ ओवर हाँ कॉन्फिडेंस हो गया या एरोगेंट हो। इस तरह की तो बातें जो गाइडेंस वहां से मिलती है वो बहुत अमेजिंग होती है। और हाँ साथ ही हाँ, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि SSB इंटरव्यू में हम लोगों को क्वालिटीज डेवलप करने होते हैं। ठीक है, क्वालिटीज पर हम लोगों को वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम लोग जानते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में, तो उस पर वर्क करना। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जिनके साथ मैं वहां पर था, जिन फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत जल्दी गिव अप कर जा रहे थे कि मतलब मेरे अंदर ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, छोड़ दिए। मतलब 10 दिन ही क्लास किए फिर उन लोगों का मन वो हो गया, मोरल जो है डाउन हो जा रहा है। मैं उन लोगों को यस फिर भी कन्विंस करते रहता था कि देखो ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो क्वालिटीज हो है अचानक तो आएगा नहीं, इसमें समय बिल्कुल लगता है, तुमको समय देना पड़ेगा अगर क्वालिटीज पर आपको वर्क करना है। तो जैसे इस पर भी एक दुआ है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि वाह अर्थ क्या है, मतलब तो सिंपल सी बात है कि जो भी चीज हम सीखना चाहते हैं इसमें तो समय लगेगा, बस हमको समय देना पड़ेगा। यस ठीक ग्रेट है, जैसे जैसे माली है तो क्या कर रहा है कि मतलब गार्डन में एक पौधा लगाएगा, तुरंत फल थोड़ी मिल जाएगा, धीरे धीरे उसमें उसका रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, एक ना एक दिन उसको फल मिलेगा ही। तो हमको अपना वर्क करते रहना है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इतना जल्दी घबराना नहीं है। इस बात को मैंने एनालिसिस किया है वहां से, और ग्रेट अगर हम उन लोगों के जो भी हमारे एक्सेसर्स हैं
उन लोगों के अंडर यानी कि गाइडेंस में जब रहते हैं तो ये सारी चीजों पर हम लोग वर्क करना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर समय आपके बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो रहे हैं वहां पे, आपके अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, पीपीडीटी रोज हो रहा है, तो एनालिसिस हम लोग करते हैं, सर लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि तुमको इस पर वर्क करना होगा तब हो पाएगा, तो जो रिव्यू वहां से मिलता है उस पर हम लोग जब चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हर चीज आसान लगने लगता है। यही है कि शुरू शुरू में सबको ऐसा लग सकता है कि मतलब ये थोड़ा कठिन प्रोसेस है, लेकिन बाय द टाइम जब आप फॉलो करने लगते हैं इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारे एक्सेसर्स के द्वारा वहाँ दिए जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऑफिसर्स ही हैं जो एक्सेसर के रूप में अभी रिटायर्ड होने के बाद काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो देते हैं मतलब जो रिव्यू देते हैं उस पर उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग वर्क करना शुरू कर देते हैं। और खास करके जो शिशिर सर ने मुझे लास्ट दिनों में गाइड किया था, लास्ट दिनों में जब मेरे 2-3 दिन ही बाद था मेरा इंटरव्यू, तो उस समय उन्होंने बताया कि जिस तरह से तुम रिस्पॉन्स देते हो, अब तुमने पूरी तरह से काम इस पर कर लिया है, जो हम लोगों ने बताया उस पर तुमने काम किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तुम्हारे आ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से इसमें अब कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, एक सेल्फी तो बनता है, तुम एकदम पक्का ऑफिसर बन के आओगे। तो फिर उनके साथ मेरा उन्होंने मतलब मैंने उनके साथ सेल्फी भी लिया और फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर और झलकने लगा। फिर एक बार और भी एक हमारे एक्सेसर है वहां पे मेजर जनरल समी सबरवाल सर है, ग्रेट हाँ उन्होंने भी एक रिव्यू दिया था वहां पे जब मैं वहां पर खड़ा मतलब अपना इंटरव्यू उनसे दे दिया लास्ट दिनों में, तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, तुम जिस तरह से अपने बातें को रख रहे हो, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, मैं तो एकदम श्योर हूँ, अगर बाई द चांस अगर तुम्हारा नहीं होता है तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कमी है, वो एक्सेसर ने तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, वो उनकी कमी है, उनको बिल्कुल पैरामीटर नहीं पता है, उनको पैरामीटर नहीं पता है कि किस पैरामीटर्स को जज करना चाहिए, तुम भी समझ लो कि तुम एकदम फिट हो, बिल्कुल बस जिस तरीके। इनफैक्ट हाँ एनी वन हु इज टॉकिंग टू यू कैन मेक आउट, मतलब जैसा कि तू बंदा है, जैसे तेरी पर्सनैलिटी में समझ पा रहा हूँ, और इतना ऑप्टिमिस्ट और इतना मतलब तेरी थॉट्स इतने एलिवेटेड है, दैट इज वाई यू हैव गॉट थ्रू. यार वंडरफुल, इट्स सच अ नाइस फीलिंग टू टॉक टू यू. थोड़ा सा ये बता, तूने एक चीज बड़ी अच्छी चीज बोली कि थॉट्स में गहराई लाओ, एंड यस जब तूने बोला कि जो तेरा स्पीच है उसमें कंटेंट होना चाहिए लेक्चरेट में, लेकिन गहराई भी होनी चाहिए. सो ये कंटेंट और ये गहराई पे बंदा कैसे काम करे खुद से, बिकॉज ये सबके पास नहीं है टैलेंट. आई हैव सीन मेनी इवन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, वो ऐसे नहीं, अभी उनका इतना मेच्योरिटी नहीं है. तो थोड़ा बता योर ऑडियंस को. मतलब गहराई का यहाँ अर्थ है कि जो आप मतलब वहां पर जैसे कि हम जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जाते हैं तो वहां पर कुछ मतलब जो कंटेंट है वो तो मिल जाता है, आवाज चली गई, अब बात आवाज चली गई. हेलो। हाँ अब बता बता. हाँ मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. तो बात आता है कि हमारे पास तो कंटेंट होता है, लेकिन गहराई कब आएगा, जब हम उसको अच्छे तरह से व्यक्त कर पाए, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, और रिप्रेजेंट करने के लिए आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब गहराई कब आएगा, जब आपके एक्सप्रेशन भी आपकी बातों से मैच कर रहा हो, आपका कंटेंट टू द पॉइंट हो, यानी कि कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स को बताने का वहां पर बताया जाता है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आप रख सकते हो, वो सब गाइडेंस आपको मिलेगा, साथ ही साथ में उसका बॉडी पार्ट क्या है, कंक्लूजन कैसे आप इफेक्टिव बना सकते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स रख दीजिए, एक अच्छा लाइनिंग रख दीजिए, किसी और मतलब किसी ने किसी बड़े आदमी ने कुछ बोला है उस पॉइंट्स को ऐड कीजिए, तो थोड़ा इफेक्टिव तरीके से आप मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने लेक्चरेट या किसी पॉइंट को, तो इस तरीके से जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब इस व्यू से नहीं पढ़ते हैं कि बस रट लिया याद हो गया, सोचना शुरू कर देते हैं उसके बारे में, अपना थॉट्स लगाना जब इंट्रोड्यूस शुरू कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करना कि मेरा इस पर क्या विचार है, हमको इसमें मतलब मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ इसमें, क्या मतलब कोई गवर्नमेंट स्कीम है इसका मेरे हिसाब से निगेटिव इंप्रेशन क्या जाएगा सोसाइटी पर, और इसमें अगर मैं इस चीज को अगर इंट्रोड्यूस कर दूँ तो और इफेक्टिव बन सकता है कि नहीं, इस तरह से जब हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जो भी चीजें प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी और एक सहजता और डीप मतलब फीलिंग जो आता है उस सीखने लगता है, तो मुझे लगता है इस तरीके से हमको अपना कंटेंट पावर करना चाहिए और वंडरफुल. पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी। ओके ओके सॉरी, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा. हाँ ठीक है, मतलब वही मैं बोल रहा था कि पोलाइटनेस, पोलाइटनेस ओके जब आप ओके बोल रहे थे कितना पोलाइटली आप बोल रहे हैं, लोग आपको सुनना शुरू कर दे रहे हैं कि नहीं आपको बोलने से,
जैसे कि आपके अंदर इतना मतलब होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मुझे याद है एक लड़की जो वहां पे मैं वो एक लेक्चर देना शुरू किया, तो उस दिन मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक शुरू किया था देना, ठीक है। अब मतलब उस पर खड़ा हुआ, जैसे मैं वो टॉपिक चूज किया, वो लड़की मतलब कोई कि ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक चूज कर लिया, कौन सुनेगा। लेकिन जैसे मेरा उसने आधा मतलब लेक्चर सुना, उसका एकदम पूरे तरह से अटेंशन मेरे तरफ हो गया कि हाँ यार ये तो कुछ बोल रहा है, क्या और पूरी टॉपिक तरह था? से वहां पर मतलब याद तो नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा हाँ वाटर पॉल्यूशन एक टॉपिक था, मतलब ये नॉर्मल सा एकदम ओके सा वाटर पॉल्यूशन, मैंने उसी को हाँ चूज करके और बोलना शुरू कर दिया था वाटर पॉल्यूशन। तो इस पर उसने बाद में उसने बताया कि शुरू में तो मैंने ये किया था, बाद में तुम्हारा जब मतलब कॉन्फिडेंस था, तुम जब बोल रहे थे तो मेरा तो पूरे तरह से अटेंशन तुम्हारी तरफ हो गया था, और वाह मैंने देखा बहुत अच्छा बेटा, लगा। वंडरफुल। इस पे थोड़ा आते हैं कि तेरा रिटर्न, तेरा SSB कोचिंग कब, कौन से महीने में गया था? SSB का हाँ, मई मई के लास्ट में ही, यानी कि और SSB कब थी? मेरे जुलाई में थी, जुलाई ओके, हाँ, यानी कि तो जून का शुरुआत ही था तब मैं गया था। तो फिर वापस आके इतना टाइम नहीं मिला तेरे को SSB और कोचिंग के बीच में? वापस आने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं वहां पर जब जाते हैं, वहां पर मैं सेंचुरियन का एक हॉस्टल भी है, और मैंने अच्छा, सर से बात किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा, घर पे जाऊंगा, पूरा जो भी सीखा हूँ फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं उधर तो मिलेगा नहीं। तो मैंने मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी समय है मैं अपना वहाँ के रिटर्न का एक अलग मतलब हॉस्टल है और SSB का अलग है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं SSB वालों के साथ नहीं, मैं रिटर्न वालों के साथ रहूंगा, और मैं शुरू से ही क्यों? रिटर्न वालों के साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब अगर मतलब रिटर्न रिकमेंड अगर हो गया तो इन लोगों को इंस्पायर कर पाऊंगा कि अगर तुम लोगों के बीच से मैं उठकर अगर कर सकता हूँ तुम लोग एक कर सकते हो, अरे इसलिए यार, मेरा ये था कि मतलब मेरे साथ में और लोग जाने चाहिए, मतलब क्यों मैं क्यों जाऊँ। इसलिए मैं, उन लोगों ने कहा था बहुत बार कि आप SSB के बच्चे हो, आपको SSB वाले हॉल में रहना चाहिए, तो नहीं मैं वहीं पर रहूंगा, कि क्योंकि वहां पर लगभग मतलब 20-30 बच्चे एक साथ रहते थे हम लोग, एक हॉल ही था जहाँ पर मुझे मतलब मैक्सिमम जो हमारे क्वालिटीज में डेवलपमेंट होती है आसपास के एनवायरनमेंट से होती है, तो वहां से एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा मिला। उसी में जो मुझे सुबह जगा रहा है उसको मैं बना दिया कि चल भाई तू GT ऑफिसर है मेरा, तू गाइड करेगा तो उस तरह से गाइड कर रहा है, जिसको मैं अपना स्टोरी सुना रहा हूँ वो मेरा साइकोलॉजिस्ट बन गया है इस तरह से, और कोई आया कहीं से दो सवाल कर दिए वो मेरा आयो ऑफिसर बन गया, इस तरह से बांट दिया था, और एक दूसरे बहुत मजे किए और अच्छे से सीखते ग्रेट रहे हर चीज। यार, ये क्वेश्चन मैं जनरली असेसर से पूछता हूँ रेदर देन कैंडिडेट, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू बड़ा अच्छा आंसर दे पाएगा इसका। अगर काफी बच्चे होते हैं वो स्टोरी बना के, उनके मन में ना वो आइडियाज नहीं आते, लाइक क्रिएटिविटी नहीं है, पावर ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, एक्सप्रेशन तो छोड़ छोड़ी दो, तो हाउ कैन समवन वर्क ऑन दिस एंड इम्प्रूव दिस इमेजिनेशन पावर्स, क्रिएटिविटी, ये कैसे बढ़ाए? हाउ टू राइट बेटर स्टोरीज? तो बेटर स्टोरी लिखने का जो मेरा अनुभव है, तो थोड़ा मतलब सोशल स्कीम पर जाना चाहिए किसी भी, सोशल स्कीम जब वो पढ़ना शुरू कर देता है तो आइडिया जनरेट होने लगता है उसको कि किस तरह के मतलब हम चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटीज में, और जब इन सारी चीजों को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने लगते हैं अपने स्टोरीज में, तो एक बहुत ही मतलब गहरा इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा कुछ आवाज खड़ा हो चली रहा है गई, अपने तरफ से, कोई इनिशिएट वहां से शुरू कर, करके। इम्प्लीमेंट करने लग गए वहां से शुरू कर। हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। तो जैसे कि सोशल स्कीम्स वो पढ़ा, अब उसको इम्प्लीमेंट जब करता है तो वहां पर जब लोग पढ़ते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि उसमें जब हम अपना सोशल स्कीम लगाते हैं अपना थॉट्स प्रोसेस जब जाते हैं तो जब हम दिखाते हैं उसको तो लगता है कि बच्चे ने कुछ अपने तरफ से इनिशिएटिव लिया है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है, फिर उसके बाद उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा है सोसाइटी पर, इस तरह की चीजें हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टोरी को इफेक्टिव बनाने, और ग्रेट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इससे चलने लगता है, तो इस तरह से हमको हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए। ग्रेट यार, SSB में मजे तो बहुत आते हैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे, जो नए नए दोस्त बनते हैं और लाइफ लॉन्ग रहेंगे, देखना। सो कुछ ऐसा शेयर कर बिहाइंड द सीन्स, तुम लोगों ने अगर कोई मस्ती या कुछ ऐसी मतलब किया हो, थोड़ा तो शेयर करो यार उसको। हाँ, बहुत बहुत सारे इवेंट होते थे वहां पर, जैसे कि मतलब हम लोग रूम में सोते थे तो जैसे कि हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मतलब हम लोग चाहते थे कि मतलब ऐसे सब कुछ व्यवस्था तो है रूम में, कूलर वगैरह सब लगा है, लेकिन एक अंदर से जिज्ञासा जगता था कि चलते हैं छत पर सोते हैं तो ग्रुप बनाए, तो हाँ
और जाकर कुछ भी उठाया ले जाकर वहीं पर सो गए छत पे। अब वार्नर जो वहां के हैं हेड है, वो जब रात में आते हैं तो कोई लेकर उधर भाग रहा है अपना सामान, कोई लेकर इधर भाग रहा है, दो सीढ़ी एक सीढ़ी से आते दूसरे सीढ़ी से भाग गए, इस तरह का एक्टिविटी होते रहते थे। और साथ ही में जो लास्ट दिनों में हुआ था मेरे साथ, जब मैं देहरादून जा रहा था, इससे पहले का एक इंसिडेंट है जिसमें मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस होता है हॉस्टल में कि अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से तो आपको एक रिटर्न अप्लीकेशन देना पड़ेगा एक दिन पहले, ताकि वहाँ से सब कुछ हो पाए और आपको मिल जाए इजाजत कि आप जा सकते हैं। तो हुआ ऐसा था कि मेरा भी जो टिकट था वो कंफर्म नहीं था, तो मैं भी कंफर्म नहीं था कि जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ कि रात में मतलब कुछ समय बाद मुझे पता चला, घर से कॉल आया कि कंफर्म हो गया, तुम्हें जाना है। अब सर उस समय अवेलेबल नहीं थे, मैं उनको एप्लीकेशन दे नहीं पाया, और सुबह में सबको मैं बता दिया कि देखो अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा उस समय यहाँ से हो गया, अब जा रहे हैं देहरादून। तो अब क्या हुआ कि अब जितने बच्चे सब तैयार हो गए कि हम चलेंगे पहुंचाने ट्रेन के पास, हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है सब चलो, मतलब 20-25 बच्चे, 30 बच्चे एक मतलब तैयार हो गए कि हम सब चलेंगे आपको छोड़ने के लिए। सुबह में ग्रेट 5 बजे, 5 बजे के अराउंड मतलब ट्रेन था, तो मतलब 4 बजे हम लोग वहां से निकले, तब तक वहां के जो गार्ड थे वो रोक लिया हम लोगों को कि क्यों आपने एप्लीकेशन जमा नहीं किया है तो फिर आप कैसे जाएंगे। अब सर वहां पे थे नहीं कि जिनको एप्लीकेशन जमा करना है, अब बच्चे थे, अब झगड़ा करना शुरू कर दिए, क्यों नहीं जाने देंगे, हमारे भैया का इंटरव्यू, इंटरव्यू छूट जाएगा तो कैसे होगा, इतना दिन का प्रिपरेशन है, मतलब कैसे भी झगड़ा वगड़ा करके, मतलब सोए तो थोड़ा लगा लेकिन 30 बच्चे थे उनको भी बात मानना पड़ा और हम लोग तो चले, हम लोग वहां चले गए। और मेरा टिकट था वंदे वंदे मातरम, जो वंदे भारत वाला जो ट्रेन वंदे है, भारत। और वंदे भारत उसी का था हाँ टिकट। अब हम लोग वहां पहुंचे, अब हम लोग का लेट हो चुका था यहाँ पर डिस्कस करने में। अब जैसे वहां पहुंचे प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन खुल चुका था, और उसमें है कि तो जैसे खुलेगा पूरा गेट बंद हो जाएगा, उसमें अब जाने का कोई है नहीं, धीरा भी चल रहा है फिर भी नहीं जा सकते। अब हम लोग ऑटो से गए थे, अब हुआ ये कि मतलब हमारे जो भी दोस्त सब देखे ट्रेन खुल गया, अब वो लोग ट्रेन के पीछे लगे दौड़ने, 30-35 जितने भी थे वो लगे चिल्लाने, और उनके पीछे जो मतलब मैं भी दौड़ रहा हूँ कि ट्रेन रुक जा, ट्रेन रुक जा, मतलब वो ट्रेन रुकवाने के लिए, मैं ट्रेन अरे पकड़ने के लिए, और ऑटो वाला पैसे के लिए दौड़ रहा था। अंततः मतलब जो पीछे के गार्ड थे उन्होंने देख लिया, और मतलब जो बच्चे उनसे अर्ज करने लगे कि रुकवा दीजिए, भैया का इंटरव्यू, इंटरव्यू है, तो मतलब ट्रेन रुकी, वंदे भारत को लोगों ने रुकवा भी दिया और मैं चढ़ भी गया उसमें और चला सोच गया। अगर वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता तो फिर क्या होता। तो प्रॉब्लम होते, तो इसलिए जो मतलब ये कंट्री मतलब एक था कि मैंने एक रिलेशन बनाया था, एक सोशल रिलेशन था उन लोगों के साथ, जो उन ग्रेट। लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मुझे तेरे को बहुत अच्छा कमांड लगा। टास्क में कितने लोगों ने बुलाया था? कमांड टास्क में लगभग हमको लग रहा है चार चार आदमी मतलब बुलाए थे, हम लोग पूरे ग्रुप में 9-10 आदमी थे, जिसमें से 4 आदमी ने मुझे बुलाया था, ग्रेट और बढ़िया। फिर एक और ने बुलाया था तो सर ने मना कर दिया कि 12 बजे से यूके बुला, किसी और को बुलाओ, और ग्रुप में कोई नहीं है। वही है तो ना फिर कि तूने लोगों के साथ वो रिश्ता और इंटरपर्सनल स्किल्स तेरे इतने अच्छे हैं कि वो तेरे लिए भी एफर्ट मारते हैं कि तूने भी उनके लिए कुछ एफर्ट किया होगा या उनकी हेल्प की बिल्कुल सर, होगी। बिल्कुल क्योंकि ग्रेट रिटर्न यार, दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छी रिटेन क्वालिटी है। का क्योंकि रिटेन का प्रिपरेशन कर रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो लोग मुझसे पूछते भी थे, मैथमेटिक्स क्लास करके मैं बताता था उन लोगों को अच्छे से, और कोई कोई तो जजमेंट भी करते थे मेरा कि ये मतलब बिल्कुल मतलब ये है कि नहीं उस लायक, तो कोई एडवांस सवाल लेकर आके दे दिया, मैं बना दिया। भाई 79 क्वेश्चंस हाँ किए मैथ्स में तो कुछ तो सही कर ही रहा होगा तू। हाँ ग्रेट यार। हाँ तो जब मैं वो सॉल्व कर दिया तो वो पूछ रहे कि भैया कैसे कैसे कर रहे, तो एडवांस का सवाल था। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि जो मतलब कोई भी चीज हम सीखना चाहते हैं उसमें सबसे मतलब मुख्य चीज जो है वो है समय, हम कितना समय किसी चीजों पर दे पा रहे हैं। समय क्योंकि मेरा मैथ सही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने मतलब बहुत पहले से बहुत इंटेलिजेंट था या बहुत मतलब जीनियस था, ऐसा कोई क्वालिटीज मेरे अंदर है नहीं, एकदम साफ सी बात है, बस मैंने समय दिया इस पर और मैंने इसको किया है। तो आपका लगता है कि कोई अगर सेगमेंट सही नहीं है तो उसको समय दीजिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, जब समय देना शुरू कर देंगे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप सीख भी लेंगे, तो इस पैरामीटर पर मैं वर्क करता हूँ। वंडरफुल ग्रेट। थोड़ा इस पे आते हैं रिगार्डिंग रिकमेंडेशन मोमेंट। नहीं, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरव्यू। मुझे लगता है इंटरव्यू में कुछ मजेदार हुआ होगा SSB के। थोड़ा वो शेयर कर, क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या काउंटर क्वेश्चंस थे, और इफ एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर दैट। हाँ तो मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए थे,
लेकिन मतलब सबसे बेहतर बात यह था कि मुझे वो फंसा नहीं पा रहे थे, कोई काउंटर क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस वो कर रहे थे कि तुमने एनडीए ज्वाइन क्यों नहीं किया, मैंने बोल दिया मुझे पता ही नहीं था तो ज्वाइन कैसे करूंगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता क्यों नहीं था आजकल, मतलब ऐसा एनवायरमेंट है, तुम्हारे पास मोबाइल भी है सब कुछ। हम बोले कि मेरे पास मोबाइल भी तो नहीं था, खुद ने मोबाइल नहीं था, बहुत लेट से तो मुझे मोबाइल मिला जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, उस समय मैं बहुत लेट से मैं खरीदा, तो लेट से ही हर चीज़ जानकारी मिली। तो फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन क्या करेंगे, मैं बोला था कि पहले मैं बात किया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे आइडिया मिला था कि ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ इसी समय जा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, मुझे करना चाहिए, और मैंने किया और मैं पहला अटेम्प्ट में कर लिया। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन बना नहीं पा रहे थे, एक समय ऐसा आ गया था कि मैं उनको देख रहा हूँ और वो मेरे को देख रहे हैं कि सवाल मतलब कोई जनरेट नहीं हो रहा है माइंड में, कोई क्वेश्चन तो क्या पूछे, तो मतलब कैसे भी करके मतलब हमको लग रहा है मतलब 50 सेकेंड 1 मिनट तक ऐसे ही दूसरे को देख रहे हैं। फिर उन्होंने करंट अफेयर्स वगैरह पूछने लगा, कैसे भी करके अपना समय पूरा किया मतलब, और बहुत कम समय ही छोड़ दिया कि चलो चलो बढ़िया। ग्रेट, ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? ब्लैंक स्टोरी मैं वही का टू द पॉइंट बनाया था, अपना स्टोरी थोड़ा उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था कि एक बच्चा है जो 12th बाद उसको जानकारी मिलता है इस एनडीए के एंट्री के बारे में, फिर उस पर वो बहुत मतलब डीपली रिसर्च करता है कि उसमें क्या क्या चीजें है, फिर उसके अंदर एक्साइटेशन आता है कि हाँ ये सारी चीजें तो मेरी क्वालिटी से मैच करते हैं, मैं कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जो फिर ये एक्सपीरियंस दिखा कि किस तरह से मतलब रिटेन को मतलब इतना इतना इफेक्टिवली पढ़ा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटेन कर लिया, फिर एसएसबी के लिए गया, वहां पर जो एक्सेसर्स को देखा उसके अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ यार एक्सेसर्स के अंदर जो पर्सनैलिटी है रियली इस चीज को तो मुझे चाहिए, और वो माइंड बना लिया कि बिल्कुल मैं कैसे भी करके चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल फोर्स में जाऊंगा, इस प्रेस्टिजियस जो इंडियन एयरफोर्स है इसमें जाऊंगा, इस तरह का कार्य में बनाया था इफेक्टिव तरीके से, तो यही था मेरा। ग्रेट। और कॉन्फ्रेंस से पहले देखा कितने मिनट्स का वेट था? ज्यादा देर नहीं हुआ था, मतलब 4 से 5 मिनट हुआ था वेट, और उसके बाद उन्होंने तुरंत बुलाया और पूछा कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो मैंने बोला फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखौन। फिर उन्होंने 2-3 और सवाल पूछा था कि किस एरिया से हो, तुम्हारा कौन अटेम्प्ट था, और ये सब मैं जब जवाब दे दिया फिर बोला ठीक है ऑल द बेस्ट यू मे गो, फिर मैं चला गया। ग्रेट, आई थिंक उनको भी तेरी तरह बहुत क्लैरिटी होगी कि चाहिए वही बंदा। शायद ग्रेट। अच्छा, तेरा लेक्चरेट और जीडी का क्या टॉपिक था? मैं लेक्चरेट में मैं कोलिजन गवर्नमेंट गठबंधन का सरकार जो है ना उस पर मैं बोला था वहां पे, और मैं बोल दिया था बहुत अच्छे से बोल रहा था, सर को सर भी एकदम मुस्कुराने लगे जब मैं बोल रहा था, मैं भी मुस्कुरा रहा था बोलते हुए, और क्यों, मुझे लग ऐसा रहा था कि क्या, कितना ऐसा आसान क्या बोला तुम्हें? मतलब अब तो वो वैसे बोल रहा बिहार था। इज एट द सेंटर हाँ ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। हाँ मैंने बोला कि देखिए जब हम कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है, कि एक तो मेजोरिटी नहीं मिल रही है, दूसरी बात इससे बेनिफिट्स ये है कि हम बहुत सारे एरिया से जब लीडर्स आ रहे हैं एक साथ, तो बहुत सारे एरिया के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक साथ वहां पर दिख पा रहा है। अगर एक लीडर होता तो हर जगह का आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, अलग अलग जगह से आए अपना रखे और उससे वो हर एरिया के बारे में जानकारी मिल रहा है, इससे एक इफेक्टिव गवर्नेंस जो है हमें मिलेगा। इस तरह से मैं बोल रहा था तो उनको भी बहुत मजा आने लगा था, और मतलब अच्छा गया, लेक्चरेट भी बहुत अच्छा गया था, मतलब मुझे मुझे मतलब ये सब गाइडेंस जो मिला था सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी से ही मिला था, तो मैं उसी तरीके से जो मुझे बताया गया था उसी तरीके से मैं बोल भी रहा था, और जो मेरा पार्टिसिपेशन था जीडी में वो भी बहुत अच्छा रहा। ग्रेट यार, बार बार ये सेंचुरियन का नाम लेने का जरूरत नहीं है यार। हमें पता है उन्होंने बहुत एफर्ट डाला उत्तर पे, लेकिन नहीं मतलब मुझे, मैं नहीं समझ रहा सर हूँ तेरी बात की रिटर्न और एसएसबी भी, लेकिन बार बार बोलेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई इसको जान के बोला गया है, तो बार बार नहीं नहीं बोल। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि मुझे आप देख रहे हैं कि रिटेन के बाद मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और पूरे तरह से जो बिल्कुल गाइडेंस नहीं, मिल रहा मैं है वहीं पर बिल्कुल जाकर समझ मुझे मिल पा रहा रहा है। हूँ, उनका तो फिर योगदान तो उनका है ही, नाम, नो हाँ डाउट। उनका योगदान लेकिन बिल्कुल आई मस्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट टू द टीम, बट तेरे से बात करके मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि देर इज अ रीजन यू हैव गॉट थ्रू बिकॉज ऑफ सच थॉट्स, सो ग्रेट। अकेडमी में यू वुड फाइंड, मे बी यू कैन फाइंड कि आर्मी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव परसीव्ड, ठीक है? सो ज्यादा घबराना नहीं, फौज बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जितना तू कंट्रीब्यूट करेगा उतना वो तेरा ध्यान रखेगी, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना, एंड बाकी एकेडमी में बहुत
तेरे को तेरे अच्छे दोस्त बनेंगे एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे। एंड आई होप तेरे को मेरी स्क्वाडन मिले या इंडिया स्क्वाडन, तो यस फिर तेरा मजा भी आएगा। और तो ग्रेट। थोड़ा यार इस पे बता, रिकमेंडेशन मोमेंट जब सर। रिकमेंड हुआ, हाउ वाज दैट? मेरा जो तेरा चेस्ट नंबर लिया, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग जब तूने घर पे बताया या अपने मेंटोर्स को बताया, तो फिर वो बताया? हाँ, तो जैसे कि उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर 56 था, तो मैं वहां बैठा था, वहां पे अनाउंस हो रहा था, तो उन्होंने 56 बोला और मेरा डेट ऑफ बर्थ बोला, चेस्ट नंबर 56 डेट ऑफ बर्थ ये। तो पहले तो मुझे लगा, मतलब बच्चे तो जो मेरे ग्रुप वाले थे वो तो एकदम श्योर थे कि यार तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा कोई बात नहीं। अच्छा उनके अंदर था कि यार तुम इतने इफेक्टिव तरीके से हर चीज में पार्टिसिपेट किए हो, तुम्हारा तो होना ही है। फिर भी बता रहा था है कि उन लोगों का क्या है, उन लोग किस पैरामीटर पर जज करते हैं तो नहीं पता ना वहाँ पे। तो लेकिन जब बोला तो मैं आसपास देख रहा हूँ, करो मेरा 56 है, चलो वहां पर गया। फिर उसी समय बारिश होते जाने लगी, तो उस कुछ देर बाद जब हम लोग वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होने लगा, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, तो उस समय में मुझे मोबाइल मिला कुछ पूछने के लिए, वो गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में कुछ लिखना था। तो उस समय मैंने मतलब घर पे बता दिया कि हाँ मेरा हो गया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो तो तुम्हारा होना ही था। अरे कि अच्छा तुम लोग, तुम्हारा तो उसी समय हो गया था। उन लोगों को पता भी नहीं, मतलब रिटर्न से ही कर लिया था कि हाँ रिटर्न निकाल दिया सब हो जाएगा, तो उससे ही कर दिया, वो तो तुम्हारा होना ही था, कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर मैंने मतलब सर के पास एक मैसेज डाल दिया था कि सर मेरा हो गया। तो एक मतलब जब बातें हो रही थी उसमें थोड़ा इमोशनल मोमेंट था कि हाँ यार इतना दिन का जो है पर्स ले, तो ट्रू हो गया कि मतलब हाँ कि हो गया ये चीज है। तो सर को मैं इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद सर ने पता नहीं औरों को इन्फॉर्म किया उसके बारे में जानकारी, उसके बाद तो मोबाइल ले लिया गया था, मैं एक और मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दिया था, बात उनसे नहीं हो पाई थी, और यही रहा था। ग्रेट यार, बहुत ही वंडरफुल लाइफ जर्नी तेरी रही है, एंड आई एम श्योर आगे भी बहुत वंडरफुल होगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए, एंड थैंक यू सर, जस्ट कीप योर हेड डाउन, और जो भी टफ ट्रेनिंग लगे जस्ट थिंक कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन इन द फर्स्ट प्लेस, एंड यू विल फाइंड कि इट्स ऑल वर्थ इट इन लॉन्गर रन। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, एंड वील स्टे कनेक्टेड। आई विल गिव यू माई नंबर, एंड बाकी इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू जस्ट लेट मी नो। फॉर थैंक यू आर सर, ऑडियंस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बड़ी अच्छी और खूबसूरत कहानी है संतोष की, एंड आई एम श्योर इससे काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि इवन इफ ऑल द चिप्स आर डाउन अगेंस्ट यू, यू कैन स्टिल मेक इट इफ योर थॉट्स आर एलिवेटेड। एक पंजाबी में वो होती है कहावत या सेइंग कह लो, मन नीवा मत ऊंचा, तो उसको बोलते हैं कि हम्बल इन बीइंग बट एलिवेटेड इन थिंकिंग। बिल्कुल सर, ठीक है, तो वैसे ही आई थॉट कि इट इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच, एंड गाइस टेक केयर, जय हिंद। ऑल्सो डू चेक आउट सेंचुरियन, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, दे हैव डन सम फैबुलस वर्क विद हिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।